प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय से माटीगांव में आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पहले कि मैं माटीगांव के उत्खनन के बारे में कुछ प्रकाश डालूं, मैं ईटीवी भारत का बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूं जिन्होंने यहां के उत्खनन के खबर को बहुत ही प्राथमिकता के साथ दिखाया है। मैं उत्खनन के बारे में बताना चाहता हूँ कि माटीगांव, जिसका कि वास्तविक नाम प्रसन्न मोहनपुर है, इसकी खोज 1875 ईस्वी में की गई थी और तत्पश्चात 1999 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों द्वारा एवं प्राचीन भारतीय इतिहास पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्वानों द्वारा इसको चिन्हित किया गया और तत्पश्चात इसकी खुदाई जो है तो 2019 में इसको आरंभ किया गया था। इसकी हमें जो है सो लाइसेंस प्राप्त होने के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को यहाँ पे खुदाई का काम जो है सो आरंभ किया गया था, परंतु वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से 2020 के मार्च में हमने काम का शुरुआत तो किया था, लेकिन हम बहुत ही ज़्यादा इसमें जो है हमें सफलता प्राप्त नहीं हो पाई थी। जून के महीने में लॉकडाउन समाप्त होने के बाद हमने कुछ उत्खनन के कार्य किए थे और उस उत्खनन में हमें जो है सो गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल के जो है सो बहुत सारे पुरावशेष और एक बहुत ही सुंदर मंदिर की संरचना का जो है सो हमें साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और ये जो मंदिर है वह जो है सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये मंदिर जो है सो पंचरथ प्रकार का हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें कि तीन जो है सो प्रोजेक्शंस दिखाई पड़ते हैं और इस मंदिर में जो ईंट जो प्रयुक्त हुए हैं उनको देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि ईंटों का अनुपात जो है सो गुप्त काल की जो है ईंटों के समरूप है। और इसके अलावा यहाँ की खुदाई से हमें जो है सो हवन कुंड की प्राप्ति हुई है।